हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। इस समय मैं हूं पुरी में, उड़ीसा के सबसे धार्मिक और पवित्र शहरों में से एक। यहां पे चार धाम है, जगन्नाथपुरी चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसके लिए ही फेमस है। इसके अलावा समुद्र तट किनारे है, इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है और काफ़ी ऐतिहासिक काफ़ी पुराना शहर है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा शहर है। कल मैंने इस शहर को थोड़ा घूमने का प्रयास किया था, आज कुछ और जगह है। वैसे खास जगह नहीं है, लोकनाथ मंदिर ही है जो मुझे जाना है, बाकी तो ऐसी हल्की फुल्की जगह हैं। लेकिन सोच रहा हूँ स्कूटी रेंट पे करूँ और फिर बीच की तरफ लंबी दूरी पे निकल जाऊँ और देखूँ वहाँ क्या है। तो फिलहाल का यही मामला है कि स्कूटी लेने का सोच रहा हूँ। तो आइए आज आपको पुरी में एक बार फिर से पुरी की कुछ जगहों से रूबरू कराता हूँ। तो मैंने पुरी में पुरी को आज घूमने के लिए स्कूटी रेंट पे ले ली है। स्कूटी मुझे पड़ी है 500 रुपये, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं हुआ है, एक हेलमेट दिया है और स्कूटी मिल गई है 500 रुपये में। बाकी आप पैसे दीजिए और रात को 8 बजे तक मिल जाती है, रात को 8 बजे तक आपको देनी पड़ती है। तो ये मेरी स्कूटी है एक्टिवा और ये कुछ इस प्रकार, मतलब बहुत काफ़ी नई नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा पुरानी हो गई है। और इधर से देखिए समुद्र है, ये पुरी का बीच, ये वो पुरी सी बीच नहीं है जो मतलब गोल्डन बीच, जो बिल्कुल अब मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो यहाँ बिल्कुल यहाँ शांति है, एकदम सुकून है। तो मैं बस यहाँ तक चल के देखना चाहता था कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक ये होटल फोटल रहते हैं। तो देखिए यहाँ होटल ख़त्म हो गए हैं, वहाँ होटल देख रहे हैं, अब उसके उधर कम से कम 2-3 किलोमीटर होटल ही होटल हैं बीच के किनारे, फिर इस तरफ कोई होटल नहीं है, ये पूरा खाली सुनसान मामला पड़ा हुआ है और इधर ये बीच है। तो आज बस स्कूटी से पुरी के आसपास की जगहों को घूमना है। पुरी के अंदर जो मुझे एक जगह जानी है लोकनाथ मंदिर, तो सबसे पहले अभी जाऊंगा लोकनाथ मंदिर, फिर उसके आसपास एक दो बीच हैं उनको जाना है और एक आर्टिस्ट विलेज है रघुराजपुर, वहां जाने का प्रयास करूंगा, वहां के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करूँगा। मैं स्कूटी से पुरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर सातपाड़ा के रोड पर ब्रह्मगिरी के रास्ते में हूँ। यहाँ पे एक बलिहारी चंडी और ब्रह्मगिरी बीच है, एक सी टर्टल बीच है, मैं उसको देखने जा रहा हूँ फिलहाल। तो उसी के रास्ते में, मतलब रास्ता पहले तो शहर वाला आया, फिर एकदम हरियाली शुरू हो गई, तो धान के खेत शुरू हो गए, तो क्या खूबसूरत लग रहा। और मेरे पास फुल हेलमेट नहीं है जिसमें आगे गोप्रो फिट कर पाऊँ, तो बड़ा दुख हो रहा है। पहले तो लगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम, पर अब लग रहा है होना चाहिए था, वहाँ जहाँ से स्कूटी ली वहाँ मिला ही नहीं फुल वाला। तो अभी देखिए मैं ऐसे ही खेत के वहाँ खड़ा हूँ, धान का खेत देखिए पूरा हरियाली, दूर तक देखिए हरियाली हरियाली, ये पूरा धान का खेत लगा हुआ है धान के पास, तो बेहद सुंदर लग रहा है। बीच में बतख अतक भी बैठे हुए हैं, हंस बैठे हुए हैं, तो मतलब बेहद सुंदर नज़ारा है। ऐसे ही मतलब पूरे रास्ते में ऐसा ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा, ऐसी छोटी वाली सड़क पर मैं चल रहा हूँ, तो ये बेहद सुंदर नज़ारा है। अभी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर और दिखा रहा है जो सी टर्टल बीच है, तो पहले यहाँ जाएंगे, फिर बलिहारी चंडी एक सी मतलब तट है उसको भी देखने जाएंगे, वो बलिहारी चंडी एक मंदिर भी है। तो हुआ यूँ कि मैं भाई वहाँ गया था मतलब मोटरसाइकिल से वो टर्टल बीच की तरफ, लेकिन वहाँ गया तो कोई टर्टल बीच था ही नहीं, वहाँ कोई मंदिर था। तो अभी मैं आ गया हूँ फिर लौट के पुरी, और पुरी में एक बीच है नीलाद्री बीच, तो अभी मैं फ़िलहाल नीलाद्री बीच पे ही हूँ। तो कुछ इस प्रकार नीलाद्री बीच दिखाई देता है, गोल्डन फ्लैग गोल्डन बीच के पास में ये बीच है। यहाँ पे सारे बीचों की जानकारी भी लिखे एक पेड़ पे दी गई है कि यहाँ से कौन सा बीच कितना दूर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखें ये पेड़ पे पूरा बना हुआ है, यहाँ से मोहान बीच है 6:30, नीलाद्री बीच है लिखा है, चंद्रभागा है इस तरफ 29, ब्लू फ्लैग 50 मीटर है, और राजंस बीच है, सहाना बीच 57, और भी कई सारे बीच ऊपर तक बने हुए हैं। तो सोनेपुर 198, चांदीपुर 262 किलोमीटर, तो ये कुछ कुछ ऐसी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे कई सारे हट बने हुए हैं बैठने के लिए, जिनके नीचे बैठ के आप मतलब धूप है तो छाया ले सकते हैं उसकी। तो अब चलते हैं थोड़ा पहले समुद्र के पास, फिर थोड़ा देर यहाँ बैठूँगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा दिखाई, धूप है तो उतने लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, खाली पड़ा होगा बीच, बस नहाने वाले लोग हैं। तो फिलहाल
अब मैं जा रहा हूँ समुद्र के बिल्कुल किनारे तट पे। एक बार सुबह भी हो चुका हूँ यहाँ पे, मतलब बीच पे, शाम भी बिता चुका हूँ, अब बिल्कुल धूप में आया हूँ कड़ाके वाली। तो देखता हूँ कैसा है ये वाला बीच, गोल्डन फ्लैग के मतलब गोल्डन बीच है उसके बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। काफ़ी देर बीच किनारे टहल लिया है, आधा नहा भी लिया है। तो अभी देखो ऐसे हट बने हैं ऐसे यहाँ पे नीलाद्री बीच पे, जिसके नीचे छाया है आराम से, मतलब पहले नहाओ फिर आराम से यहाँ पे बैठो, या बैठे रहो यहाँ पे धूप लेते रहो, सामने समुद्र के नज़ारे देख सकते हो। तो वो है समुद्र, ऐसे हट यहाँ पे कई सारे बने हुए, कई लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है नीलाद्री बीच। तो इसके आसपास ही कई सारे बीच हैं, ब्लू फ्लैग, गोल्डन बीच और भी कई सारे, मतलब सारे बीचों के यहाँ नाम दिए गए हैं। लगभग जो छोटे मोटे हैं वो सब इसी के पास हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जहाँ आपको पैसे दे के नहीं आना है, वहाँ तो बहुत भीड़ है और गंदगी बहुत है। लोग बताओ बीच पे ही टॉयलेट करते रहते हैं, मतलब वहीं किनारे का इतनी बदबू आती है। इस वाले पे तो नहीं, जो वहाँ पे है स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो लगी उसके सामने, और उसके बगल पे ही गोल्डन बीच है, उसे पैसे देने पड़ते हैं। तो हाँ बिल्कुल साफ़ सफाई है, तो कुल ऐसा मामला है। तो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, भाई आ रहे हैं यहाँ पे बीच पे तो कम से कम गंदगी ना करें, खासकर पेशाब हिसाब कर देते हैं वहीं पे, बताओ कितनी बदबू आती है। तो क्या ही कहें, लोगों की फितरत मतलब बदलती नहीं है, पहाड़ चले जाएं तो वहाँ कूड़ा फेंकते रहते हैं, और यहाँ आ रहे हैं तो बीच को यहाँ भी गंदा कर रहे हैं। तो अभी मैंने आज सोचा था कई जगह पर जाऊँगा, लेकिन नहीं जा पाया। वहाँ गया तो वहाँ मंदिर मिला टर्टल वाले पे, तो फिर जाने कहीं और जाने का मन ही हुआ, लौट के पूरी आ गए। तो अच्छा कहो रास्ते में नीलाद्री भी दिख गया तो मैं आ गया, फिर अचानक दिख गया, मैं आने का कोई यहाँ प्लान नहीं था। तो अब कुछ देर यहीं इसी छत के नीचे बैठा रहूँगा, फिर निकल जाऊँगा रूम पे, आराम करूँगा, फिर कल से अगली यात्रा शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में उड़ीसा की एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।